सर्च करें हमारा दूसरा चैनल जोशी जी की कविता और पाए कुछ बेहतरीन हिंदी कविताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी और आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों, आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि सैमसंग गैलेक्सी S8 और S8 प्लस में आपको ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलेगा। अभी जो हम फिलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं वह है ब्लूटूथ का 4.2 वर्जन और वर्ल्ड में पहली बार सैमसंग ने ब्लूटूथ 5.0 को इस्तेमाल किया है गैलेक्सी 8 और 8 प्लस में, जिसके बहुत से नए फायदे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं कि क्या क्या नई चीजें ब्लूटूथ 5.0 में ऐड की गई हैं, जिसके कारण वो बेहतर हो जाता है ब्लूटूथ 4.2 से। दोस्तों, आप लोगों को जैसे कि पता है कि हर चीज दुनिया में अपग्रेड होती रहती है, कोई भी टेक्नोलॉजी हो वो कभी ना कभी अपग्रेड जरूर होगी। तो इसी प्रकार का कुछ चीज ब्लूटूथ 5.0 में भी देखने को आपको मिलता है। भविष्य में आपको आप सैमसंग के अलावा ऐसी बहुत सी डिवाइसेस देखने को मिलेंगे जिसमें कि आपको 5.0 ब्लूटूथ का वर्जन मिलेगा। तो हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि क्या क्या चीजें उसमें हमको एडिशनल मिलने वाली हैं, क्या क्या चीजें बेहतर होने वाला है पहले से, जो कि हमारी जिंदगी को थोड़ा और सरल बना देगा। हमारे आजकल के सारे नए इक्विपमेंट में इस्तेमाल होता है ब्लूटूथ का 4.2 वर्जन और मैं आपको सलाह देता हूं कि अब जाकर कभी भी आप कोई भी चीजें खरीदें तो उसमें यह जरूर देख लें कि वो ब्लूटूथ के 5.0 पर काम करने वाला हो। ब्लूटूथ 5.0 पर काम करने वाले डिवाइस का पहला फायदा यह है कि इसकी स्पीड पहले से 2 गुनी बढ़ जाएगी। यदि आप ब्लूटूथ हेडसेट का इस्तेमाल करते हैं किसी वीडियो को देखने में, तो आपके मोबाइल से जो भी वीडियो चलती है या कंप्यूटर से जो भी वीडियो चलती है उस पे होने वाले लिपसिंग और आप तक पहुंचने वाली आवाज में कुछ ना कुछ लेटेंसी रह जाती है और आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है जो कि आपको एक्चुअल में मिलना चाहिए। तो ब्लूटूथ 5.0 में आपको ज्यादा स्पीड देखने को मिलेगी जिसमें कि यह लेटेंसी थोड़ी कम कर दी जाएगी और यह स्पीड लगभग 2 गुने के बराबर होगी। थ्योरेटिकली 4.2 ब्लूटूथ के वर्जन में आपको 25 Mbps की ट्रांसफर स्पीड देखने को मिलती थी, पर अब जाके आपको थ्योरेटिकली 50 Mbps की ट्रांसफर स्पीड देखने को मिलेगी। इससे दो फायदे होंगे, एक तो स्पीड हमारी बढ़ जाएगी और लेटेंसी कम हो जाएगी, दूसरा डिवाइस की जो पावर लॉस होती है वह भी हाफ हो जाएगी। तो ब्लूटूथ 5.0 में स्पीड को 2 गुना कर देने पे हमें 2 फायदे मिल जाते हैं। ब्लूटूथ के 5.0 में आपको डिस्टेंस अब 4 गुनी बेहतर मिलेगी। यदि आप इस्तेमाल करते हैं कोई ब्लूटूथ का 4.2 पे चलने वाला डिवाइस, तो आपको उसमें आउटडोर में लगभग 50 मीटर की रेंज मिलती थी और इंडोर में आपको लगभग 10 मीटर की रेंज मिलती थी, पर जब आप इस्तेमाल करेंगे 5.0 वर्जन का कोई ब्लूटूथ डिवाइस तो आपको यही रेंज आउटडोर में 200 मीटर तक की मिल जाएगी और इंडोर में लगभग 40 मीटर तक की इंडोर रेंज आपको मिलेगी। तो आप यदि अपना फोन कहीं पर रख के थोड़ा घर में इधर उधर घूमते हैं कान में हेडफोन लगाए हुए ब्लूटूथ के, तो आपको पहले जो परेशानियों का सामना करना पड़ता था वो अब नहीं करना पड़ेगा नए लेटेस्ट वर्जन में। तो यह भी बहुत ही अच्छा अपडेट है जिसके कारण अब आप अपना फोन कहीं दूर चार्जिंग में भी लगाकर अपने पूरे के पूरे घर में हेडफोन लगाए घूम सकते हैं ब्लूटूथ वाले। ब्लूटूथ 5.0 में आपको जो तीसरा फायदा मिलेगा वह यह है कि आपको 8 गुनी स्पीड 4.2 वर्जन से मिलेगी। इस चीज को हम ऐसे समझ लेते हैं, मान लीजिए कोई पानी हमें एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक पहुंचाना है और उसके लिए हम पाइपों का इस्तेमाल करते हैं, तो यदि आप पहले आपको 2 पाइपें दी जा रही थी उसके द्वारा पानी को आपको दूसरे एंड पे प्रवाहित करना, तो अब आपको 16 पाइप्स दी जाएंगी। तो इससे यह फायदा होगा कि 2 पाइप से वही डेटा थोड़ा लेट में ट्रांसफर होता था और अब 16 पाइप से वही डेटा आसानी से ट्रांसफर हो पाएगा, जल्दी ट्रांसफर हो पाएगा। इस चीज का हम लोग डिवाइसेस में इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि सैमसंग ने किया है, उसमें आपको 2 डिवाइस में एक साथ गाने सुनने को मिल सकते हैं, आप 2 डिवाइसेस को एक साथ ब्लूटूथ से पेयर कर सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं। इस चीज का फायदा आपको ब्लूटूथ बीकन्स में भी देखने को मिलता है। ब्लूटूथ बीकन वो डिवाइसेस होते हैं जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करके काम करते हैं। यदि मान लीजिए आपके घर का कोई AC ब्लूटूथ के किसी बीकन से कनेक्टेड है और वह बीकन किसी दूसरे बीकन से कनेक्टेड है जो कि टेम्परेचर डिटेक्ट करता है, तो आपस में इनको लगातार कम्युनिकेशन करना पड़ता है जिसके लिए आपको बड़ी बैंडविड्थ की चैनल चाहिए होती है ताकि वह कम्युनिकेट करके टेम्परेचर डिफरेंस बताता रहे और कब AC चलना है या
दूसरा बीकन डिसाइड कर ले। तो बड़े बड़े चैनल होने की वजह से अब ज्यादा से ज्यादा डेटा कम समय में और तुरंत ट्रांसफर हो पाएगा। इस चीज को हमें स्पीड से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। स्पीड अलग चीज है और बैंडविड्थ अलग चीज है। स्पीड आपकी वही दोगुनी रहेगी, पर अब आप ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस से कनेक्ट हो पाएंगे और उसी स्पीड में जहां आप एक डिवाइस से कनेक्ट हो पाते थे या दो डिवाइस से कनेक्ट हो पाते थे, अब 8 गुने ज्यादा डिवाइसेस से कनेक्ट हो पाएंगे। तो यह कुछ फायदे थे ब्लूटूथ 5.0 वर्जन के, जो कि आपको भविष्य में अब कई डिवाइसेस में देखने को मिलेंगे। और आपको मेरा यही सजेशन है कि यदि आप कोई डिवाइस खरीद रहे हो और वो ब्लूटूथ के 5.0 पे चलने वाली हो, तो उसी को आप प्रेफर करिएगा, ना कि 4.0 वाले वर्जन को। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे, लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करने से आपका यह फायदा है कि मैं आपको जान पाऊंगा कि कौन व्यक्ति मेरे वीडियोस पे कमेंट करता है और लाइक करता है, जिससे मैं आपसे ज्यादा अच्छे से जुड़ पाऊंगा। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियोस लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।